हाय स्टूडेंट, हमने अपने चैप्टर सिक्स के जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाए थे क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, क्वालिटी एंड रोल ऑफ लीडर, तो उसके बारे में हमने क्वालिटी के बारे में, लीडर ऑफ क्वालिटी के बारे में बताए थे। तो अब हम उसी के रोल ऑफ लीडर पर चलेंगे, उसी टॉपिक के रोल ऑफ लीडर पर चलेंगे, यानी लीडर के क्या रोल होता है, क्या दायित्व तो होता है, उस पर हम लोग चलेंगे। तो द लीडर हैज़ परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन ऑफ द रोल्स फील्ड फिजिकल एजुकेशन विच आर डिस्क्राइब दी लो, यानी फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में लीडर का बहुत बड़ा एक रोल होता है, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र होता है, जैसे कि उसको हम एक एक करके, इसमें आपको कम से कम 8 रोल दिया है, तो हम कुछ ही टॉपिक पे, यानी 5-6 टॉपिक पे चर्चा करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, और बाकी जो है आप थोड़ा सा अपने बुक्स रिवाइज कर लेंगे, पूरा डिक्लियर हो जाएगा आपका। तो आप सभी लोग जब भी हम ये वीडियो बनाएं तो थोड़ा बुक के माध्यम से भी आप देखने और पढ़ने की कोशिश करें, ताकि जो चीज़ हम अपने ओरली उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे तो उसका समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले चलते हैं स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, यानी स्थिति की संरचना, यानी लीडर क्या करता है। द लीडर ऑफ फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सिचुएशन ऑफ ग्रुप मेंबर, अपने ग्रुप मेंबर से लीडर क्या करता है कि स्थिति सारे जो उसका संरचना तैयार करता है कि हमको ये करना है, वो करना है, अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स को शेयर करता है। कि जैसे सपोज दैट किसी चीज़ का टूर्नामेंट ही कराना है तो उसमें एक कमेटी बनाई जाती है, अपने ग्रुप बनाया जाता है, और ग्रुप से सबसे उस ग्रुप में सबसे उसका एक्सप्लेन करता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो एक्चुअल ही ऑब्लिक सी इंटरपरेंट्स एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द क्लियरिफाइंग ऑफ एम्बिग्यूटीज एंड द एम्फसाइजिंग क्रिएटिंग ऑफ स्पेक्ट, यानी जैसे कि हमने बताया कि किसी योजना के बारे में अपने ग्रुप के सारे सदस्यों से उसके बारे में क्लियरिफाई करेंगे। देन सी द फोकस एंड ऑन द गोल, तब उसके बाद जो हमारा लक्ष्य होता है उस पे हम फोकस करते हैं, यानी उसके बारे में कुछ बताते हैं। इन ग्रुप मेंबर एक्सपेक्ट्स एक्सेप्ट ही सी इंटरपरेशन देन कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ ग्रुप द पॉसिबल, आप जो भी अपने ग्रुप में चीज़ को समझाता है, वो लीडर समझाता है, यदि सारे चीज़ सारे ग्रुप मेंबर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो चीज़ कोऑपरेटिव, यानी एक दूसरे के संबंध से, एक दूसरे की सहायता से उसे उस ग्रुप को संभव बनाया जा सकता है, यानी उस योजना को हम संभव बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में, कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर, यानी समूह पर व्यवहार का नियंत्रण, बिहेवियर। द फिजिकल एजुकेशन लीडर ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमम सर्टेन टाइप ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर दैट मे ऑफ द अगेंस्ट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द होल टीम। लीडर क्या करता है, फिजिकल एजुकेशन लीडर हमेशा वो प्रयास करता है कि किसी भी व्यक्तिगत से अपना, किसी भी व्यक्तिगत टीम्स कह लेते हैं या ग्रुप कह लेते हैं, किसी भी एक व्यक्तिगत से अपना व्यवहार नहीं बनाना, जो भी कहना है वो अपने पूरे ग्रुप में कहे या पूरे ग्रुप के लिए कहे, वो लीडर का रोल होता है। द लीडर्स इनफोर्स रूल ऑफ इफेक्टिव, लीडर का एक ये भी होता है कि वो कोई ऐसे रूल्स को या कोई ऐसे प्रभावशाली रूल को भी लागू कर सकता है। ही सी इम्फोर्स द रूल्स ऑफ द ग्रुप यूजिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट, अब वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो रिवार्ड के रूप में उस ग्रुप पे रूल लागू करेगा या पनिशमेंट के रूप में लागू कर सकता है, लेकिन उसके लिए उत्तरदायी होता है, ये कर सकता है। ही सी मे वार्न टू मेंबर ऑफ प्लेयर ऑफ टीम हु डेमोस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, जैसे कि
वो अपने ग्रुप मेंबर को या टीम वाले सदस्यों को यदि किसी अनडिसिप्लिन में देखता है या कुछ ऐसे बिहेव कुछ ऐसे व्यवहार आप वो टीम के द्वारा होता है तो वो किसी भी चीज़ को वो लागू या पनिशमेंट या जो भी करना है वो दे सकता है, वो लीडर उसके लिए सक्षम होता है। तो सब इसका समूह व्यवहार पर नियंत्रण मतलब इसके लिए एक वो रूल लागू कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्पीकिंग ऑफ द ग्रुप, यानी समूह के लिए बोलना, यानी कुछ भी आप करें तो समूह के लिए बोलें। क्या कह रहा है, द लीडर प्ले ऑफ द रोल ऑफ स्पीकर मैन, लीडर का जो रोल होता है दायित्व होता है वो इसकी स्पीकर मैन क्या होता है, ही स्पीक फॉर द ग्रुप, वो ग्रुप के लिए समूह के लिए सदैव बोलता है। ए लीडर मस्ट बी सेंसिटिव टू इमोशनल ऑफ द अदर, यानी कह रहा है कि लीडर सबकी भावनाओं को समझे, सबकी भावनाओं को समझते हुए जो भी उसकी संवेदना व्यक्त करना होता है वो करे, यानी सबकी भावनाओं को यानी एक दूसरे की भावनाओं को के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मुख्य रूप से इसे कह सकते हैं कि लीडर का मतलब होता है कि सभी के भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लानिंग ऑफ द ग्रुप, यानी समूह के लिए कोई योजना बनाना, समूह के लिए यानी रोल क्या होता है, लीडर ऑफ रोल में फोर्थ नंबर पे है प्लानिंग ऑफ रूल, यानी योजना के समूह के लिए कोई योजना बनाना। जैसे कह रहा है कि द लीडर डिसाइड टू वे ऑफ मीन्स ऑफ विच द ग्रुप शैल अचीव द एंड, यानी कह रहा है कि जो समूह चल रहा है, जो समूह चल रहा है वो अंत तक यानी वो अंत तक वो अच्छे तरीके से वो प्राप्त कर सके, कुछ ऐसा योजना वो करे। तो इसका एक दायित्व तो ये भी होता है कि समूह के लिए योजनाबद्ध कोई काम करे, यानी कोई भी ऐसी समस्या हो वो किसी भी समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से करे, ये रोल ऑफ लीडर का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइव है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, यानी योजना का निष्पादन करना, यानी किसी भी योजना का एक क्राइटेरिया तैयार करना, निष्पादन करना, ताकि वो सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके, यानी कोई ऐसा योजना जिसके माध्यम से हम उस गोल या उस एम को अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकें। तो कह रहा है कि द लीडर में एग्जिट वेरियस प्लान, लीडर के द्वारा अनेक प्लान निष्पादन किया जा सकता है या करता है, विच ही द कंस्ट्रक्ट ऑफ द बेनिफिट हिज द फॉलोअर्स, वो ऐसा योजना का निर्माण करता है, यानी ऐसा योजना का निर्माण करता है जिसके लिए वो उसका लाभ साफ सभी ले सके, यानी वो लाभान्वित जो होते हैं उसका बेनिफिट सभी उनके फॉलोअर्स उसके फॉलोअर्स ले सके। एग्जीक्यूशन ऑफ द इम्पोर्टेंस फैक्टर ऑफ द अचीव एम द ऑब्जेक्टिव ग्रुप, यानी योजना का निष्पादन ये होता है, महत्वपूर्ण होता है कि वो किसी भी ग्रुप कोई भी ग्रुप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अचीव कर सके। इट इज सैड, ये कहा जाता है कि वेल बिगेन द हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत आधी करनी होती है, यानी अगर आपको अच्छा शुरुआत करना है तो सबसे पहले आधा ही किया जाता है, तो वो अच्छा शुरुआत होता है। सो ए प्लान द एग्जीक्यूट वेल दियर्स कैन बी गुड अचीवमेंट और लेटर, वो लास्ट में चलते चलते वो अच्छा नतीजा आपको दे सकता है। तो ये हमारा फाइव ये हो गया। अब सिक्स पे आते हैं, लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव, यानी रिप्रेजेंटेटिव लीडर आप प्रतिनिधि के रूप में नेता, यानी प्रतिनिधि के रूप में नेता होता है, किसी भी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना एक नेता का ही काम होता है। जैसे कह रहा है कि लीडर इज द सोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप, यानी नेता ऐसा होना चाहिए कि किसी भी ग्रुप का वह प्रतिनिधित्व कर सके। ओके, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, यानी स्पोर्ट के एरिया में यानी क्षेत्र में, द लीडर स्पीक्स ऑफ द होल टीम, यानी लीडर जो होता है वो पूरे टीम के लिए बोलता है, यानी किसी भी टीम के लिए बोलता है। इफ द टीम ऑफ फैक्स एनी प्रॉब्लम, द लीडर डिस्कस द प्रॉब्लम विच द
अथराइज, यानी लीडर किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी से डिस्कस करने के लिए अथराइज होता है, वो किसी भी समस्या पर बात कर सकता है। तो इंटरनल रिलेशनशिप लीडर, अब इस पर थोड़ा सा हम ओवरली चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारा वीडियो लॉन्ग ना हो। तो लीडर एज द कंट्रोलिंग ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप, जो आपका इंटरनल रिलेशनशिप होता है, लीडर को वहाँ पे कंट्रोल करना होता ताकि ये किसी को ये पता ना चल सके कि नहीं इसके अंदर उसके प्रति बहुत सिंपैथी है, बहुत दया है, बहुत करुणा है, यानी उसके प्रति बहुत लगाव है। तो ये चीज ऑल द मैटर ऑफ द पर्टिनेंट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द ग्रुप टीम लाइक रिवार्ड वार्डिंग वार्निंग्स ऑफ द एवरेशन ऑल द हैंड ऑफ द लीडर द इंटरनल डिफरेंस सेटल बाय द लीडर ही सी मेक इवर इफोर्ट ऑफ द राइज मोरल स्टैंडिंग ऑफ द टीम ही सी टेक द decision either is on the with help of the other take disciplinary measure against the member of the member who is fault, यानी कोई भी ऐसे fault होते हैं तो सारे member से एक विचारात्मक तरीके से सलाह सजेशन लेकर के कोई भी उसका निर्णय लिया जाता है। तो ये चीज होता है लीडर के अंदर कंट्रोल इंटरनल रिलेशनशिप के। ओके, तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बच गया था इसमें से, इस टॉपिक से, तो हमने इसे क्लियर कर दिया। हमने अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस। तो इसके बाद हम 6.4 क्रिएटिंग लीडर थॉट फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।